बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक डिटरमिनेशन ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक डिटरमिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। हमारे आज के इस टॉपिक में जिन चीज़ों पे हम बात करेंगे उसमें पीएच एंड पीओएच शामिल है। फिर हम देखेंगे हमें क्या मटेरियल रिक्वायर्ड हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। फिर प्रोसीजर पे हम प्रोसीजर को देखेंगे और साथ में कुछ प्रिकॉशंस मेजर्स हैं जो कि हमें ड्यूरिंग द डिटरमिनेशन ऑफ पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस हमें जिसको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज़ पीएच। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था पीएच एंड पीएच स्केल, उसमें डिटेल हमने इस चीज़ पर बात की। तो यहाँ सिर्फ ये बताना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पीएच। पीएच ये बात याद रखें स्टूडेंट्स, हमेशा एसिड सॉल्यूशंस के लिए जो है वो लिखा पढ़ा जाता है। तो व्हाट इज़ पीएच? इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी इसको जो है पीएच कहा जाता है। अब ये कितनी होगी, यानी जब इसको मेजर किया जाएगा तो उस समय पता लगेगा कि जो गिवन हमारा जो एसिडिक सॉल्यूशन है इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड आर वीक एसिड। पीएच जो है इसको देखते हैं, पीओएच ऑफ अ सॉल्यूशन इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। यानी किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, हम किसी सॉल्यूशन को बेसिक किस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसी बेसिस पे फिर हम पीएच मीटर से या पीएच पेपर से उसको मेजर करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या पीक बेस है। मटेरियल जो हमें इस्तेमाल प्रोसीजर के लिए रिक्वायर्ड है वो क्या होंगे? सबसे पहले हमारे पास पीएच पेपर स्ट्रिप्स होनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास दो टाइप की पीएच स्ट्रिप्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। कुछ एरियाज़ में या कुछ स्टोर्स में ये येलो कलर के स्ट्रिप्स होती हैं, वन आम तौर पर ये ग्रीन कलर में होती हैं। ये बेसिकली पीएच पेपर होते हैं, ठीक है। और ये पीएच पेपर जो हैं इनके ऊपर इंडिकेटर जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है। जब इसके साथ कोई एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन जो है इसके साथ टच होता है या इसको डिप किया जाता है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, तो जो इंडिकेटर्स हैं, केमिकल्स हैं जिनको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहा जाता है, वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ये अपने कलर को चेंज करते हैं। ये आगे हम प्रोसीजर में आप डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो हमें रिक्वायर्ड है, डिफरेंट सॉल्यूशंस हमें चाहिए। या मिसाल के तौर पर हम ले रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। फिर हमें चाहिए होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। और आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट कलर्स हमें शो हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रेंथ हैं एसिड और बेसिस सॉल्यूशंस की। फिर हमें चाहिए ड्रॉपर। ड्रॉपर हमें चाहिए जिसके थ्रू हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो यूज़ करना होता है। प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसीजर में क्या होगा कि सबसे पहले हमने एक पीएच पेपर स्ट्रिप जो है वो हमने इस ब्लॉक से अलग कर लेनी है और उसको हमने एक टाइल के ऊपर जो अवेलेबल होती है लैब्स के अंदर, साफ सी साफ सुथरी वो टाइल हो उसके ऊपर हमने पुट करना है। और जिस सॉल्यूशन को हम चेक करना चाह रहे हैं, ये हम अब हमें नहीं पता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड है या बेस है, उसका एक ड्रॉप जो है विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर वो पुट किया जाता है इस पीएच पेपर के ऊपर। और फिर जब वो अपना कलर चेंज करता है, या हम डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, उसने अपना कलर चेंज किया। 6 और 7 पीएच में दो डिफरेंट कलर्स हैं जो ग्रीन के अंदर हैं। तो जो करीब तरीन है, मिलता होता है कलर इस मतलब
एक्सपेरिमेंट के दौरान जब देखा जाता है जो सॉल्यूशन का कलर जब पेपर के ऊपर पुट किया जाए सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन की वजह से पेपर अपना कलर चेंज करेगा, पीएच पेपर, तो उस कलर को मैच किया जाएगा इस कलर कोड के साथ। ये लिखा हुआ ना पीएच 6, 7, 8, 9, 10, तो ये पीएच कोड होता है। पीएच कोड मींस के जो मतलब स्ट्रेंथ है उस एसिड या बेस की, स्ट्रेंथ मीन वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एसिड है या बेस है, ठीक है। तो कलर फिर हमें बता देता है कि उसका पीएच क्या होगा। अब इसको इस वक्त तो ये पीएच जो है वो करीब करीब हमें 7 पे 7 से कुछ अबव लग रही है, नियर टू 8, तो हम कह सकते हैं ये एक बेसिक जो है वो सॉल्यूशन था और ये वीक बेस सॉल्यूशन था। क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से स्केल को डिस्कस किया, वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास 0 से लेकर 14 तक जो है वो ग्रेट है, और 0 से लेकर 7 तक हमारे पास एसिड्स रेंज होगी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, एंड 7.1 to 14 तक हमारे पास होंगे बेसिस सॉल्यूशंस, दे मे बी स्ट्रॉन्ग आर वीक बेसिस। तो ये 8 के करीब है, तो 8 जो है वीक बेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन हमने पुट किया था इस पीएच पेपर के ऊपर, तो इसका जो कलर आ गया है वो किसको शो कर रहा है कि हमारा गिवन सॉल्यूशन जो था वो बेस तो था लेकिन वो वीक बेस है। इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए हम लिक्विड फॉर्म में, अभी आपको मैंने बताया ना कि ये जो पेपर होते हैं हमारे पास इनके ऊपर इंडिकेटर आरएडी जो है वो पुट होते हैं, ड्राई फॉर्म में मौजूद होते हैं इस पेज के ऊपर, जिसको हम पीएच पेपर कहते हैं, तो ये कलर चेंज करते हैं। लेकिन यही जो इंडिकेटर है लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं जिनको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहा जाता है, ये इंडिकेटर्स इनको जब एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है उनका कलर कुछ और हो जाता है, जब इन्हीं इंडिकेटर्स को बेसिक सॉल्यूशन में पुट किया जाता है, ऐड किया जाता है फ्यू ड्रॉप्स, तो कलर पर कुछ और हो जाता है। अब मज़ीद हम कंफर्म कर लेते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का फ्यू ड्रॉप जब हम उस सॉल्यूशन में पुट करेंगे जो हमने पीएच पेपर पे डाला था, तो हमारे पास कलर जो है वो इस तरह का आ जाएगा जो कि नियर है उसी पीएच पेपर के ऊपर अपीयर होने वाले कलर के। इसको इंडिकेटर्स के साथ एक कलर कोड अगेन दिया हुआ होता है और फिर वहाँ मैच कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि 8 जो है पीएच वो नियर है हमारे सॉल्यूशन का उस कलर के जो उसने चेंज किया। नेक्स्ट अब हम दूसरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए हमें पता है कि वो एसिड है, लेकिन अब हमें ये पता नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। उसके लिए अगेन उसके ऊपर जब एक ड्रॉप पुट किया जाता है तो कलर हमारे पास ये चेंज हो जाता है, ठीक है, और ये कलर जो है ये ऑरेंज जो है रेडिश टू ऑरेंज कलर को शो कर रहा है। जब इसको पीएच कलर कोड के साथ, यानी पीएच 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसको पीएच कलर कोड कहते हैं, इसके साथ जब जो है वो मैच किया जाता है तो ये हमें लग रहा होता है 1 के करीब और 2 के करीब, ठीक है। लेकिन मज़ीद कंफर्म करने के लिए जब इसी सॉल्यूशन को, एसिड सॉल्यूशन को उसमें हम जब पुट करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो हमारे पास कलर जो है वो ऑरेंज आता है जो कि शो करता है हमारे पास गिवन जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक और एक्सपेरिमेंट मज़ीद किया जाता है कि एक और स्ट्रिप को यूज़ किया जाएगा और कुछ गिवन तीसरा सॉल्यूशन है जिसका हमें नहीं पता, लेकिन जब उसको पुट किया जाएगा इस पीएच पेपर के ऊपर, तो पीएच पेपर के ऊपर चेंज होने वाला जो कलर है वो पीएच कलर कोड के साथ जब मैच किया जाता है तो वो पर्पल होगा। और इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को पुट किया जाएगा जब सॉल्यूशन में, तो ये पर्पल कलर देगा, जिसका मतलब क्या है ये जो है एक वीक एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, 8 से ज़रा इसकी पीएच ज़्यादा है, ये 10 है और ये वीक बेस है। एक और चीज़ जो हमें अब जहन में रखनी चाहिए, पीएच पेपर जो है ये हमें बताता है कि
जो एसिडिक सॉल्यूशन है गिवन या बेसिक सॉल्यूशन जो गिवन है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है या वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वो वीक बेस है। लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर होता है और रेड लिटमस पेपर होता है। अब हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है वो सारे के सारे कलरलेस हैं, हमें नहीं पता इसमें एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है और बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है। जब आप पीएच पेपर को रेड को उन किसी एक सॉल्यूशन के अंदर पुट करते हैं और कलर चेंज नहीं होता, रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है। इसी तरह अगर वो रेड लिटमस पेपर किसी दूसरे सॉल्यूशन में आप अलग से यूज जब करते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि गिवन सॉल्यूशन जो है वो बेस है। इस तरह बेसिक सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस पेपर है जब उसको किसी ऐसे सॉल्यूशन में डिप करें कि उसका कलर ब्लू ही रहे वो चेंज ना हो तो इसका मतलब क्या है वो बेसिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वही ब्लू लिटमस पेपर जो है वो किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करने पे रेड हो जाए इसका मतलब क्या गिवन सॉल्यूशन क्या है वो एसिडिक है। अब ये चीज़ हमें तो बता रही है, ये तो आइडेंटिफाई हम कर लेंगे कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये लिटमस पेपर के थ्रू होगा। लेकिन लिटमस पेपर हमें कभी ये नहीं बताएगा कि व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, यानी जो गिवन सॉल्यूशन है वो अगर एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, गिवन सॉल्यूशन अगर बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन डिटर्मिनेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पीएच पेपर, ठीक है, इन पेपर से। और इन पीएच पेपर के साथ हमें पीएच कलर कोड दिया जाता है जिसके थ्रू जो है वो कलर कोड से मैच करके फिर हम कंफर्म करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन जो है अगर वो बेसिक है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वो वीक बेस है। इंडिकेटर्स जो होंगे हमारे पास स्टूडेंट्स वो डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं हमारी लैब्स में। फेनाफ्थलिन यूज़ किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर है, मिथाइल रेड है हमारे पास इंडिकेटर, इसे लिटमस ब्लू लिक्विड फॉर्म में होता है, लिटमस रेड ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो हमें इस पेज के ऊपर पेज जब कलर चेंज कर रहा है तो ये इंडिकेटर्स के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है जो कंपनी हमें तैयार करके देती है और ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं। अब हम चलते हैं, हमें ये आप देखिए, ये अभी मैंने आपसे स्टार्ट में जिक्र किया था कि ग्रीन के अलावा येलो पेपर में भी पीएच पेपर अवेलेबल होते हैं और हर पीएच पेपर के साथ हमें एक टेबल मिलता है, पीएच कलर कोड मिलता है जिस पे डिफरेंट जो हैं वो पीएच ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन जो हैं वो कलर के साथ हमें अवेलेबल होते हैं और जो रिज़ल्ट आए उसको मैच किया जाता है। क्या प्रिकॉशंस हमें करनी चाहिए, क्या हमें एहतियात करनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि आपके रिज़ल्ट एक्यूरेट आए? उसके लिए सबसे पहली बात ये जो आप ड्रॉपर यूज़ करेंगे वो आप एक सॉल्यूशन में एक मरतबा यूज़ करेंगे, हर मरतबा ड्रॉपर आपको चेंज करना पड़ेगा या अलग यूज़ करना पड़ेगा फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। पीएच जो स्ट्रिप्स यूज़ की जाती हैं, पीएच पेपर जो यूज़ किए जाते हैं उसके लिए एहतियात की जाए कि उसके साथ आप ज़्यादा हाथ ना लगाएं या उसके साथ कोई और केमिकल टच ना हो और ताकि आपके रिज़ल्ट एक्यूरेट आ सकें। इसी तरह जो इंडिकेटर यूज़ किया जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो वहाँ में भी कोशिश की जाए कि उसको जो है वो ड्रॉपर के थ्रू यूज़ किया जाए और ड्रॉपर एक मरतबा से ज़्यादा यूज़ ना हो। और लास्ट के वेरी इम्पॉर्टेंट, आपका जो रिज़ल्ट है आप पीएच कलर कोड के साथ मैच कर रहे हैं तो जो आपको गिवन पीएच पेपर आप जिस गिवन स्ट्रिप से यूज़ कर रहे हैं आप उसी के साथ गिवन पीएच कलर कोड के साथ अपने रिज़ल्ट को मैच करें। आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।